नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 3 तक आपने इससे पहले कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हमने केस नंबर 2 जिसमें कैपेसिटिव सर्किट के बारे में काफी सारा काम किया था। तो अब उसके बाद केस नंबर 3 में, जिसमें हम लोग इंडक्टर कॉइल को यहाँ पर रखेंगे और इसके अक्रॉस एक एसी वोल्टेज सप्लाई लगाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने रेसिस्टेंस को रखा था और कैपेसिटर को रखा था, और इस बार अब एक इंडक्टर क्वाइल को रख रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द एसी सर्किट हैज ओनली इंडक्टर क्वाइल, तो इन दिस केस द एसी सर्किट इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव। जैसा कि हमने देखा था कि अगर आप सिर्फ रेसिस्टेंस रखेंगे तो प्योरली रेसिस्टिव, और अगर आप कैपेसिटर रखेंगे तो प्योरली कैपेसिटिव, तो इंडक्टर रखेंगे तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। और जब आप इसके अक्रॉस कोई एसी सोर्स वोल्टेज सोर्स आपने लगा दिया, जो इस तरह से साइन के फंक्शन में वेरी कर रहा है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो फिर आइए इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं मैथमेटिकली। तो जहां भी ये जो भी वैल्यू होगी वी की किसी भी इंस्टेंट में, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, करंट की वैल्यू तेजी से बढ़ती है, डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, तो फ्लक्स लिंकेज होता रहेगा और ये क्या करेगा, अपोज करेगा। इंडक्टर कॉइल क्या करता है, अगर उससे लिंक किया हुआ फ्लक्स चेंज होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है, तो वो अपोज करता है। तो ये कितने का अपोज करेगा, तो मान लीजिए किसी वक्त आई करंट ऐसे जा रहा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और तो ये अपोज इसको सहना पड़ेगा एल डी आई बाई डी टी का। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा दैट विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। एंड द वी की वैल्यू बिठाइए, वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और उसके बाद इस एल को हमने इधर लाया, सो वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, और ये डी टी को इधर लाए, डी टी इक्वल टू डी आई। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, सो वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, और इधर भी डी आई का इंटीग्रेशन दोनों साइड हो गया। कॉन्स्टेंट को बाहर ले आइए, वी नॉट बाई एल और साइन ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो वी नॉट बाई एल और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टी का कॉफिशियंट ओमेगा, और इधर डी आई का आई। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू भी आप देखते हैं प्रैक्टिकली वो जीरो आ जाता है, तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बाकी चीजें देखिए, आई इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, और फिर ये माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये इक्वेशन बन जाएगा आई बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और अगर आई को, अगर ये वाला वैल्यू जो है वी नॉट बाई ओमेगा एल, इसको अगर आप मान लें आई नॉट, तो फिर ये बन गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहां आई नॉट की वैल्यू जो होगी ये हमें लिखना पड़ेगा वी नॉट बाई ओमेगा एल। आई नॉट की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा एल, और इस ओमेगा एल को अगर हम एक्सएल मान लें तो ये हो गया वी नॉट बाई एक्सएल। ठीक है, जो क्या कहलाएगा, एक्सएल जो ओमेगा एल आपने माना, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर कॉइल टू द अप्लाइड एसी वोल्टेज। जो एसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया उसको कितने का रेसिस्टेंस सहना होगा, तो उस रेसिस्टेंस की इफेक्टिव वैल्यू आपको इस इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में आएगी, एक्सएल बराबर ओमेगा एल के रूप में आएगी। अच्छा, और फिर ये कैसे हुआ, माइनस कॉस ओमेगा टी को आप किस तरह से साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं, तो अगर ये जानना चाहें तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि जब साइन ऑफ माइनस फाइव कोई भी एंगल हो यहाँ पे, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, आप इसको माइनस साइन फाइव लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो सोचो कि अगर मैं इसको यहाँ पर पलट दूं, थीटा माइनस पाई बाई टू कर दूं, ठीक है, तो आपने एक तरह से क्या किया कि ये देखिए पलट दिया, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि इसमें से जैसे आप माइनस, अगर इस माइनस को अगर आप इसमें अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा ना थीटा माइनस पाई बाई टू, तो थीटा माइनस पाई बाई टू हो गया। जैसे ये माइनस साइन अगर अंदर जाए तब ना साइन माइनस फाइव हो गया, या अंदर है तो बाहर आ सकता है, बाहर है तो अंदर जा सकता है ना, ये देखिए बाहर है तो अंदर जा सकता है, माइनस फाइव बन सकता है, माइनस साइन फाइव साइन ऑफ माइनस फाइव। तो वही किया हमने, साइन ऑफ ये फाइव बन गया, ये माइनस ऑफ साइन, और ये क्या हो गया फाइव बन गया, है ना, ये माइनस फाइव है, इधर फाइव है और एक माइनस साइन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो क्या बेसिकली यही कहने का हुआ कि जब आप इसको पलट दीजिएगा तो एक माइनस तो आएगा, और वो माइनस को क्या करना है, बाहर ले लेना, साइन में जो माइनस होता है बाहर आ जाता है ना, तो जैसे भी समझे। तो
साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू, इसमें यहाँ पे अगर आप पलटेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, और ये वैल्यू आप जानते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा जो हमने ऊपर भी बताया वो क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ थीटा की वैल्यू अगर मैं ओमेगा टी रख दूँ तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं, और उस वजह से ये इक्वेशन बन गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये आई आपको क्लियरली बताता है, क्लियरली इंडिकेट्स दैट द करेंट लैग्स बिहाइंड, चूंकि माइनस में आ रहा है पाई बाई टू, मतलब ये करंट लैग बिहाइंड हो जाएगा, पीछे रह जाएगा बिहाइंड द वोल्टेज इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। जब प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात चलेगी तो यहाँ पर जो करंट है वो बिहाइंड करेगा, लैग बिहाइंड हो जाएगा, कितने से, तो पाई बाई टू से। तो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट ऑन अप्लाइंग एसी सोर्स, जब आप एसी सोर्स लगाते हैं तो जो इसमें करंट की वैल्यू होती है वो वोल्टेज से पाई बाई टू से लैग करता है। तो इसको जब आप ग्राफिकली दिखाइएगा तो देखिए भी तो हमारे पास है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई हमने प्राप्त किया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या फिर ये क्या था माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वी नॉट बाय ओमेगा एल को आप आई नॉट कहते हैं और ये माइनस तो है, तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, या फिर कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको आप यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब ग्राफ हम देखते हैं तो भी आप वी नॉट साइन ओमेगा टी तो पहले भी आप इस तरह से बनाते चले आ रहे हैं ना, और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे आई बराबर माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू भी प्लस आई नॉट से माइनस आई नॉट के बीच में लाए तो करेगी, लेकिन ग्राफ बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी का, मतलब कॉस का जो ग्राफ होता था उसको आपको सीधा सीधा पलट देना है, उलट देना है। तो कहने का मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, कॉस का चूंकि ऊपर से नीचे इस तरह से आता था तो इसका नीचे से ऊपर ऐसे जाएगा, सो माइनस आई नॉट से वैल्यू शुरू होगी और इस तरह से होते हुए बिल्कुल रिवर्स ऑफ कॉस ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इस ग्राफ से ये चीज स्पष्ट है कि जैसे अगर आप ये वाला पॉइंट देखिए, मतलब एट टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय फोर, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, तो उस समय जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जो है वो अपना जीरो वैल्यू दिखा रहा है ना, और जब करंट मैक्सिमम हो रहा है तो वोल्टेज अपना जीरो वैल्यू दिखा रहा है, और ये कब हो रहा है टी बाई टू पे हो रहा है, तो पाई बाई टू से लैग करेगा, तो यही बातें होगी है ना। तो करंट जो है मतलब कि वो लैग कर गया पाई बाई टू से, टी बाई फोर जो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाई बाई टू फेज डिफरेंस होता है, तो आप देख सकते हैं कि वो लैग कर रहा है ना। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो, और जब करंट मैक्सिमम तो फिर वोल्टेज जीरो हो गया नहीं, तो इस तरह से कर सकते। तो वही चीज यहाँ लिख दिया हूँ, एट टी इक्वल टू टी बाई फोर वी मैक्सिमम तो आई जीरो, एंड टी बराबर टी बाई टू पे वी जीरो तो आई मैक्सिमम। फेजर डायग्राम में इसी बात को जब दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि वोल्टेज को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते हैं, और सर्किट का अगर कोई रेसिस्टेंस है तो उसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है। अभी यहाँ पर हम कोई रेसिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर ये नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, लेकिन वो आर इसलिए भी हम लोग देते हैं कि आगे जो आने वाले सर्किट्स हैं तो उसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर को हॉरिजॉन्टल सर्किट पर ही रखना होता है। और पिछले वाले में जो कैपेसिटिव वाला था हमारा सर्किट, उसमें हमें एक्स सी मिला था, और एक्स सी जो आया था वो ऊपर की तरफ आया था करंट की वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे करंट लीड कर रहा था। तो ये यहाँ पर रहेगा वी नॉट, तो आई नॉट कहाँ पर चला जाएगा पाई बाई टू, पीछे पीछे की तरफ लैग कर रहा है। सो आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पाई बाई टू से घूमेंगे और ये नीचे की तरफ आपको दिखाएगा, और इसीलिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सएल है उसे आपको इधर ही दिखाना है। तो एक्स सी होता तो ऊपर की तरफ दिखाते, एक्सएल है तो नीचे की तरफ, आर होता तो सामने की तरफ। तो यहाँ पर ये फेजर डायग्राम यही बता रहा है कि जो करंट है हमारा वो पाई बाई टू से लैग कर रहा है, पीछे रह रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई, अब थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल बराबर ओमेगा एल, इसके बारे में। तो देखिए आइए बच्चों, एज यूजुअल अब हम आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू याद रखेंगे ओमेगा इंटू एल, ठीक है। द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर, इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर इन या इंडक्टर कॉइल टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जब आप सर्किट में एक इंडक्टर कॉइल लगाते हो तो ये भी क्या करेगा, कुछ अपोज तो करेगा, तो अपोजिंग नेचर किसको अपोज करेगा, तो जो करंट उसमें फ्लो करेगा उसको अपोज करेगा। तो इस तरह का जो नेचर होगा उसको आप क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू एक्सएल इज ओमेगा एल, एंड ओमेगा इज टू पाई एफ,
तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, द डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द सेम, अब चूंकि रिएक्टेंस जैसा नाम दिए तो ये रेसिस्टेंस के डायमेंशन के जैसा ही होता है। सो द आप ओमेगा का डायमेंशन, एल का डायमेंशन लिखिएगा तो वो मिला के इंटू करेंगे तो वो रेसिस्टेंस का डायमेंशन ही बन जाएगा। द डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द सेम एज दैट ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ठीक है, चूंकि डायमेंशन सेम है तो आपका एसआई यूनिट भी इसका सेम रह जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट्स द करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन द सेम वे एज द रेसिस्टेंस लिमिट्स द करंट इन ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। और यही बात आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए भी कह सकते थे कि वो भी क्या करता है, एक रेसिस्टेंस को ही ऑफर करता है, कहाँ पर, कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, तो ये भी वही काम कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी वही कर रहा है, एक रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं है, इसमें ये ध्यान रखिए XL बराबर हमने देखा 2 पाई एफ एल, तो यहाँ पर देखिए कोई भी इंडक्टर कॉइल है उसका L नॉर्मली कांस्टेंट है, तो L कांस्टेंट है तो फिर वो क्या हो गया, XL की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, आप ये कह सकते हैं वेयर L इज कांस्टेंट, अंडरस्टूड है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो XL बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती है XL कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है जैसा कि DC सोर्स में होता है, तो अगर हम डीसी सप्लाई के लिए बात करें तो वहां तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो एक्सएल क्या बन जाएगा, जीरो फॉर डीसी सप्लाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि नो रेसिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय एनी आइडियल इंडक्टर कॉइल, अगर आइडियल इंडक्टर कॉइल है और उसके अक्रॉस आपने कोई डीसी सप्लाई कर रखा है तो कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं होगा एंड एक्स लाइक शॉर्ट सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा एंड करंट रिमेंस वेरी हाई, तो जो करंट आपको होगा वहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू करंट की आपको मिल जाएगी। तो इंडक्टर कॉइल अगर है आपके पास तो उसके थ्रू अगर आप कोई डीसी सर्किट, डीसी सेल, कोई बैटरी वगैरह लगा देते हैं तो वहां पर आपको वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो एकदम तेजी से क्या करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेगा और जो भी वेरिएशन होना था उसमें, फ्लक्स में जो वेरिएशन होना था वो वेरिएशन खत्म हो जाएगा और कोई भी रेसिस्टेंस वो फिर वो ऑफर नहीं करेगा, तो वो एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और फिर वो बहुत ज्यादा हाई करंट को वहां प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर एसी की बात करें तो एसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फिर आप वहां पर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस देखोगे, एक्सएल की वैल्यू भी हाई हो जाएगी, और अगर रेसिस्टेंस हाई हो गया तो फिर करंट क्या होगा, लो हो जाएगा, है ना, तो वहां पर लो करंट आपका आएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कभी कम हुआ है ना, तो चूंकि सिग्नल्स वगैरह के केस में हम लोग को लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भी ट्रांसमिट करना होता है, तो हम लोग अगर लो फ्रीक्वेंसी को अगर ऑप्ट करें तो फिर एक्सएल भी लो बनेगा और एक्सएल जब लो है तो करंट वहां पर हाई बन जाएगा। ठीक है, तो इस फेनोमेनन का यूज करते हुए हम लोग इसको थोड़ा फिल्टर विल्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो लो पास फिल्टर बोलते हैं, जिससे कि लो फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू हो चाहे सिग्नल हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट हमको मिल जाए, है ना, तो काम हो जाता है। तो इसी बात को लिखा गया, दैट इज इंडक्टर कॉइल ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस फॉर द सिग्नल्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो रेसिस्टेंस हाई कर देगा तो वो फिर करंट को जाने नहीं देगा, हेंस इट डज नॉट अलाउ टू पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स या सिग्नल्स, उसको पास नहीं करने देता, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो पास नहीं करने देता। हाउएवर फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इट ऑफर्स लो रेसिस्टेंस, हेंस इट अलाउज टू पास द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और करंट्स थ्रू इट, हेंस नोन एज लो पास फिल्टर, तो इसको लो पास फिल्टर करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि उसको हाई पास फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं और ये इंडक्टिव सर्किट जो है इसको आप लो पास फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि कैपेसिटर वाले केस में क्या था, उसमें जो एक्स सी आता था वो 1/ωc हो जाता था, फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी तो वहां पर फिर एक्स सी कम हो जाता था, है ना, तो इस तरह की बात हो जाती थी, तो वो फिर जब एक्स सी आपका कम हो गया तो आप एक बार उसको लिख करके फिर से देख लीजिए, तो पिछले वाले में एक्स सी हम लोग पढ़ते थे 1/ωc इस तरह से, तो यही चीज चला आता था 2πfc, तो जो xc होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपका ज्यादा होगा तो यहाँ पर xc क्या हो जाता था, कम हो जाता था, रेसिस्टेंस कम हो गया तो आपकी करंट की वैल्यू अधिक हो जाती थी, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो भी होते थे आपके सिग्नल या करंट वो आराम से पास कर जाते थे। लेकिन वही फ्रीक्वेंसी अगर लो हो जाएगा
तो xc की वैल्यू हाई हो जाएगी तो फिर वहां पर नहीं पास करने देगा। तो कैपेसिटर जो था वो हाई पास फिल्टर कहलाता था और इंडक्टर कॉइल जो है वो लो पास फिल्टर कहलाता है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। और रहा सवाल इसके ग्राफ का, एक्सएल वर्सेस ओमेगा या फिर एफ, अगर आप देखिए तो फिर क्या है, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है या एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। एल इज कॉन्स्टेंट, कोई भी एक इंडक्टर कॉइल है तो उसका एल कॉन्स्टेंट, और हम लोग नॉर्मली आइडियल इंडक्टर कॉइल के लिए ही बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्लोप की बात करते हो, थीटा मान लो ये एंगल, तो टेन थीटा इज द स्लोप, तो यहाँ से आप स्लोप लिख सकते हैं 2 पाई और एल, चूंकि एफ तो अलग हो गया है ना, तो स्लोप का काम करेगा 2 पाई एल, तो 2 पाई एल टेन थीटा के रूप में दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो हम लोगों ने अब काम कर लिया है कि अगर आप किसी रेसिस्टेंस को के अक्रॉस एसी सप्लाई देते हैं तो उस केस में क्या कंडीशंस बनते हैं, किसी कैपेसिटर को देते हैं उसके अक्रॉस और किसी इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस अगर एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें कैसे क्या सब रेसिस्टेंस की वैल्यू जो रिएक्टेंस कहलाती है, तो उन सब के लिए कैसे कैसे स्टडी करते हैं, तो उन्हीं पर आधारित ये कुछ एकदम बेसिक से प्रॉब्लम है। तो पहले जरा इसको कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, एक 200 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ज, ऐसे दिया हुआ रहेगा। अगर कभी भी इस तरह से दिया रहे ना, तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये VRMS दिया हुआ है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा RMS वैल्यू दिया हुआ है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई एसी सप्लाई। तो कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ द करंट, करंट मांग रहा है मतलब IRMS मांग रहा है इन द सर्किट। तो सर्किट कैसा है, आपने 200 ओम का रेजिस्टेंस डाला तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो गया। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हमारा क्या होता था, IRMS सीधा सीधा VRMS बाय कैपिटल R कर देना है, ठीक है। तो आपका VRMS क्या है, तो वो दे ही रखा है इसने सीधा सीधा 220 और R की वैल्यू 200, तो सीधा सीधा ये सॉल्व हो गया। तो ये क्या हो गया तो इसको 10 बार में इस तरह से ले जाए तो ये हो गया 1.1 एम्पियर, ठीक है, सीधा सीधा आंसर हो गया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में जो रेसिस्टेंस होता है, जो रेसिस्टेंस सिर्फ होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं, तो इसलिए फेज डिफरेंस क्या होगा, जिसको हम फाई कह रहे हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। तो हियर फाई जीरो फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, चूंकि सर्किट आपका प्योरली रेसिस्टिव है तो फाइ हमारा बन जाएगा जीरो। फिर देखिए दूसरे सॉल्यूशन में, यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहता है क्या, एक अल्टरनेटिव वोल्टेज हमने ये डाल दिया, तो ये वाली जो वैल्यू होती है, अब आप समझ गए कि ये वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू, ठीक है। तो ये भी पीक है, ये ध्यान रखिएगा, भी इक्वल टू इतना दिया हुआ है और RMS की जरूरत पड़ेगी तो पीक डिवाइडेड बाय रूट टू, याद है आपको। तो इतना वोल्टेज कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर थ्रू एन एसी आमीटर, ठीक है। तो व्हाट विल द रीडिंग ऑफ द आमीटर, तो हम जानते हैं कि जो एसी आमीटर होता है आरएमएस वैल्यू रीड करता है, मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ भी IRMS चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, VRMS लिखना होगा एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि सर्किट में आपने क्या डाल रखा है, कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसके लिए यहाँ पर हमको XC की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो VRMS तो है हमारे पास, यहां से आ जाएगा VRMS, ये पीक वैल्यू में रूट टू से डिवाइड करना है, तो मतलब 200 वोल्ट, ये तो आ गया आपका VRMS। XC निकालना है तो वो कैसे, हमने फार्मूला इसका पढ़ा है, 1 बाई ओमेगा C, और ओमेगा क्या करना है, 2 पाई एफ और इंटू सी, तो 1 बाई 2 पाई और रहेगा, और फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर, या फिर सिर्फ ओमेगा से ही काम चल जाएगा, तो देखिए टी के साथ जो लगा हुआ रहेगा वो कौन है, ओमेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। टी के साथ जो कॉफिशियंट होगा साइन 100 टी है ना, तो ये टी के साथ जो कॉफिशियंट होगा 100, वही 100 है आपका ओमेगा, तो आप ओमेगा डायरेक्ट रख दीजिए फिर, तो आप 2 पाई एफ में इसको नहीं तोड़िए, जरूरत नहीं है, ये 100 डायरेक्ट रख देंगे। और सी की वैल्यू हमको कहता है 1 माइक्रोफेराड मतलब -6, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ले गए। तो ये अगर ओवरऑल देखिए तो -4 और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये इतना ओम हो गया, ठीक है। और अब बस IRMS चाहिए था,
डिवाइड कर दीजिए 200 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा 20, तो इसका ये कट कर देगा, है ना, तो 2 × 10⁻², इस तरह से हो जाएगा। तो इतना एम्पियर आप कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻²। वैसे इसको अगर हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कर सकते हैं, 20 × 10⁻³ और -3 देने से क्या हो गया, मिली बन गया, सो आपको मिली एम्पियर में भी आंसर रह सकता है, तो 20 मिली एम्पियर कह सकते हो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो, देखो फटाफट क्या कहना है। एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिया हुआ है 50 μH, तो हमें L की वैल्यू दी हुई है, तो इस बार हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो मैंने बताया आपको ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये VRMS की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए इसको, तो XL चाहिए, तो XL का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ω·L, तो फॉर्मूले सारे अच्छे से याद रहने चाहिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो ω·L, तो ओमेगा डायरेक्ट, ओमेगा तो दिया नहीं हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इस बार आप लगाओ 2πf, ओमेगा की जगह 2πf और L तो L है, तो 2π आपका रहेगा और फ्रीक्वेंसी वहां से उठाइए, 50 हर्ट्ज है, 50 आ गया और L जो ये कहा 50 μH, ऐसा यूनिट हेनरी है, माइक्रो रह गया इस तरह से। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो 50 × 200 हो जाएगा 100π और उसके बाद × 5 और × 10⁻², इस दोनों को देखा तो -5, और एक बार अब इसको दिखा लीजिए तो 5π हो गया और 10⁻², तो 5π हो गया और 10⁻², यहाँ और यहाँ देखा तो -3, ठीक है, तो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका भी ओम ही आएगा, तो आप इसको कह सकते हैं 5π mΩ, ऐसे आंसर चलेगा, ठीक है, VRMS की जरूरत नहीं पड़ी तो ऐसे ही रह गया। अगर यहाँ पर IRMS मांगता तो VRMS डिवाइडेड बाय ये XL कर देते और उससे रिजल्ट आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कहता है 44 mH इंडक्टर कॉइल है, मतलब L की वैल्यू हमारे पास L है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, तो ठीक है, ये क्या हो गया VRMS as usual, ये फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, तो देखिए इस बार RMS मांग दिया, तो IRMS हम लोग कभी भी लिखेंगे तो VRMS बाय सर्किट का जो भी रेसिस्टेंस बनेगा, हालांकि यहाँ पर आगे पढ़ेंगे उसको इम्पिडेंस नाम से जानते हैं, लेकिन जब प्योरली रेसिस्टिव है तो रेसिस्टेंस, प्योरली कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और अगर प्योरली इंडक्टिव है तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, यही लिखना होता है, जब मिक्स करके देगा तब कुछ नया नाम देते हैं इम्पिडेंस, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। खैर, तो VRMS हमारा कितना हो गया भाई, 220, और XL निकालना पड़ेगा आपको, तो चलिए मैं साइड में इधर निकालता हूँ XL हमने पढ़ा था ωL, ओमेगा तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी है, तो उसी तरह से 2πf और × L, तो 2π रहेगा और f हमारा हो गया 50 और L हमारे पास है 44 mH, तो 44 × 10⁻³, ठीक है, तो इनको ये जो भी वैल्यूज आएंगे तो सॉल्व करना है, 50 × 200 हो गया, तो 100π × 44 और × 10⁻³, तो 100 और इसको लिखा तो -1 बचा, 4.4π हो गया, ठीक है, ओवरऑल इस तरह से लिख सकते हो इतना ओम, और उसको यहाँ पे लाके बिठा दो तो 4.4 ओम, तो पाई को हम क्या करते हैं 22/7 लिखते हैं, 22/7 लिख दिया, और अब इसको सॉल्व करो, तो 22 से यहाँ पे कैंसिलेशन करो, कितना हो गया 10 हो गया, और ये चीज़ बच गई, तो बच गई 70 बाई आपका हो जाएगा 4.4, तो अगर इसके पॉइंट को मैं हटाऊं तो 700/44 इतना एम्पियर आ जाएगा, और इसको अगर आप और डिवाइड करते हो तो 350 का भी आधा कर देंगे तो 175 एंड डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, तो इसको भाग दिया जा सकता है, तो एक बार में कट गया 65 आ गया आपका, तो लगभग लगभग हम 66 मानते हुए लगभग लगभग 16
एम्पियर आपको यहाँ पर जवाब आएगा। ठीक है, तो इंडक्टर कॉइल की एल वैल्यू काफ़ी लो है, मिली हेनरी में है, और उसको अगर इस तरह के सप्लाई से आप दे रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू जो एमीटर रीड करेगा 16 एम्पियर आपको वहाँ पर वो रीड करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये वाले में क्या था आपका, तो एक्सेल सिर्फ निकालना था इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये सारा जो भी है यहाँ पर आई आर एम एस कैपेसिटिव सर्किट थी, वी आर एम एस बाय एक्सी कर सकते हैं, और सारी चीज़ें सामने है। एक्सी के लिए कैलकुलेशन 1/ωc, और यहाँ पर क्या था, टी के साथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, ओमेगा। ओके, साइन ओमेगा टी लिखते थे ना, तो टी का जो कॉफिशेंट बनता है वही ओमेगा होता है। तो इक्वेशन में जो दिया है वहाँ से कंपेयर करके आपको लिख देना है वैल्यूज़ को, और जो जो वैल्यूज़ है अपना 1 μF था 10⁻⁶ पुट किया एंड सो, तो सब उसी तरह से है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही बेसिक टाइप का है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब आपके लिए आगे, अभी तो आपने जो ये कंपोनेंट्स थे इसको आपने अलग अलग करके पढ़ा, मतलब रेसिस्टेंस के अक्रॉस लगाया, कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया, और इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस लगाया, सबके अक्रॉस अलग अलग आपने एसी सप्लाई लगा करके और सबके फेजर डायग्राम्स को देखा। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ सीरीज में देंगे और उसके बाद उसके अक्रॉस एसी सप्लाई लगाएंगे, और फिर हम लोग फेजर डायग्राम के थ्रू उसको देखेंगे, और वहाँ जो ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो सर्किट, तो उसका एक नया नाम देंगे इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये सबके कैलकुलेशंस होने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप देखें इसे। आइए बच्चों, अब आगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कॉन्सेप्ट, LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट, सिलेबस में आपको यही पढ़ना है, LCR सीरीज सर्किट ही पढ़ना है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक को उलटाते हैं, नीट के क्वेश्चन बैंक को देखिए या IIT के भी क्वेश्चन बैंक को देखिए, जेई मेन या जेई एडवांस, तो हर साल आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर वहां पर दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरह के एग्जाम में आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है अगर आप इस सेक्शन को सही से पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। सो बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, इसलिए हमने VVI भी लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गया है, फिगर से साफ पता चल रहा है, एक इंडक्टर कॉइल, एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टेंस को, तीनों को हम लोग सीरीज में इस तरह से लगा देंगे और इसके अक्रॉस एक एसी सप्लाई हम लोग डाल देंगे। इससे पहले हमने बारी बारी से सबको लगाया था एसी के अक्रॉस, इस बार सबको एक साथ रखेंगे सीरीज में, और फिर उसके साथ आप एसी सोर्स को यहाँ अप्लाई कर देंगे, और इसमें जितना एनालिसिस करना है वही आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। सो ध्यान दीजिए, ए सर्किट कंटेनिंग ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेसिस्टेंस आर, जैसा कि दिख रहा है, एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल, और ये हम आइडियल कॉइल ही मानेंगे, तो हो गया कैपिटल एल, एंड एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, तो ये रहा सी, कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज, ये वाला रहा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ कह लो वोल्टेज कह लो एक ही बात है, एज शोन इन फिगर, उसके साथ हमने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एसी सोर्स को इस तरह से दिखाते, सिंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, सिंस एल सी एंड आर, एल सी एंड आर आर ज्वाइंट इन सीरीज, चूंकि सीरीज कनेक्शन है, और अगर ये सीरीज कनेक्शन होता है तो फिर करंट क्या होगा, आप पढ़े हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट सब में एक समान जाता है। ठीक है, देयरफॉर करंट एट एनी इंस्टेंट, कभी भी आप बात करो, चाहे इससे पीक वैल्यू वाली करंट जा रही हो, जो मैक्सिमम करंट जा रही हो, तो सबसे मैक्सिमम जाएगी, है ना, या IRMS का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे IRMS, तो किसी भी समय जो भी आई जाएगा वो सबके थ्रू सेम आई जाएगा, तो इसलिए लिखा हमने एट एनी इंस्टेंट थ्रू द थ्री एलिमेंट्स विल हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड करने वाले उसका सेम मैग्नीट्यूड एंड फेज, और जिस फेज में भी हो, चूंकि एसी है तो आप जानते हैं कि इसका फेज बदलता रहता है, तो जो भी फेज में होगा वो सबके साथ एक समान जाएगा एंड फेज, बट द वोल्टेज, लेकिन अब वोल्टेज की बात करते हैं, करंट की बात तो हो गई, चूंकि सीरीज में है तो सबके थ्रू वो सेम एम्पलीट्यूड माने सेम वैल्यू का जाएगा, सेम फेज में जाएगा, माने एकदम उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप वोल्टेज की बात करो, तो आपने ये पढ़ा था कि जब हम एसी सोर्स सप्लाई करते हैं तो करंट का करस्पोंडिंग वोल्टेज के साथ कुछ ना कुछ कहीं लैग करता है, कहीं फेज में रहता है, और कहीं पीछे भी हो जाता है, तो कहीं लीड कर जाता है, इस तरह की बात होती है। तो जैसे कि ये L है, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल बना VL, ये C हो गया, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल बना VC, और ये R हो गया, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल बना VR, तो ये जो VL, VC और VR है,
तो ये जो करंट के साथ अपना रिलेशनशिप दिखाएगा कि फेज में ये कोई आगे रहता है कोई पीछे रहता है, जो पीछे के केसेस में पढ़े हैं आपने कि जब आप आर की बात करते हैं तो सेम फेज में रहता था, जब आप कैपेसिटर की बात करते थे तो यहाँ पर करंट लीड कर जाता था, और जब इंडक्टर कॉइल की बात करते थे तो यहाँ पर करंट लैग कर जाता था, 90 डिग्री से पीछे रह जाता था, यहाँ 90 डिग्री से आगे हो जाता था, है ना, करंट और कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज के बीच। तो करंट इन सब में सेम जाना है, लेकिन वो करंट इस वोल्टेज के साथ कुछ इस तरह का जो लैगिंग और लीडिंग वाला रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को यहाँ पर मेंटेन रखेगा। तो उसी से सारा सवाल जवाब आपका बनता है। तो एक बार फिर से, चूंकि एल सी आर आर ज्वाइन इन सीरीज, देयरफॉर करंट एट एनी इंस्टेंट थ्रू द थ्री एलिमेंट्स विल हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज, बट द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट विल हैव डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विद द करंट एज डिस्कस्ड प्रीवियसली फॉर प्योरली रेसिस्टिव, जिसमें सेम फेज में होता था वोल्टेज और करस्पॉन्डिंग करंट। कैपेसिटर में करंट जो होता था वो लीड करता था पावर टू से वोल्टेज को, तो और इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता था वो लैग करता था, लैग बिहाइंड पीछे हो जाता था पावर टू से कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज से। तो कहने का मतलब है कि जो भी मान के चलो, अगर हम आरएमएस की, आई आरएमएस की ही बात करते हैं, तो आई आरएमएस है तो यहाँ पर वीएल वो वी आरएमएस बन जाएगा इसका, और वी आरएमएस इसका भी बन जाएगा, और ये वी आरएमएस भी बन जाएगा जो भी वोल्टेज बने। तो ये जो भी वोल्टेज बनेगा, अगर हम इंडक्टर कॉइल की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इस इंडक्टर कॉइल से पाई बाय टू से पीछे होगा। यहाँ पर जो करंट है वो इस वीसी के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, तो वो आपका यहाँ पर वो पाई बाय टू से आगे हो जाएगा, और यहाँ पर वो सेम सेम फेज में चला जाएगा, है ना। तो एक फेजर डायग्राम जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ओवरऑल फेजर डायग्राम कैन बी गिवेन एज फॉलोज। तो इसका जो हम लोग फेजर डायग्राम अब बनाते हैं तो उसी पर सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से फेजर डायग्राम में हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं पहले, और इसमें जो वोल्टेजेस हैं तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस उसको पहले दिखाएंगे। तो आर के अक्रॉस, यहाँ पर ये आर हो गया इसके अक्रॉस, तो आर के अक्रॉस जो आएगा वो वी आर आएगा, ये वी आर आ रहा है तो वो वी आर हम लोग जो है इसी के अक्रॉस रखेंगे, है ना। तो करंट वगैरह जो जाता था ये होता था इसी पर होता था, लेकिन जो आपका ये वी सी बनेगा और जो वी एल बनेगा उसमें हमने पढ़ा था कि जो इसमें क्या होता है कि करंट जो होगा यहाँ पर लीड करेगा, है ना, तो करंट ऊपर में चलेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी बनेगी रिएक्टेंस वैल्यू वो एक्सी कहलाएगी, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा ये वी सी है उसको भी आप ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, और फिर ये नीचे की तरफ हो जाएगा आपका ये वी एल वाला, तो इसको हम लोग नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और ये सभी की वैल्यू जो होगी, वी आर की वैल्यू, वी सी की वैल्यू, ये सब अलग अलग आएगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सब एक समान हो। तो लाइन हम लोग इसी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, और फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि वी एल जो है वो थोड़ा सबसे कम आ रहा है यहाँ पे, और एक्सएल इस तरह से दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप दिखाते, मतलब एक्सी को ऊपर की तरफ और एक्सएल को नीचे की तरफ, आर को उस तरफ, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, है ना। और अगर किसी ने इसमें ये बात की, अच्छा इसको जरा सा आप समझिए, ये यहाँ पर अगर मैं करंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, नहीं देखिए तो उल्टा हो गया, अब चूंकि हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है हमेशा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं और हम आर यहाँ हॉरिजॉन्टल में अगर करंट रखते हैं, तो इसको तो कैपेसिटर वाले से 90 से आगे होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ थोड़ा करेक्शन होगा, आपको नीचे वीसी लाना होगा, एक्सी इस तरह से रखिए तभी करंट को लीड कराना है। तो हमें रेसिस्टेंस के तरफ हमेशा करंट को रखना है, हॉरिजॉन्टल पे रखा, तो यहाँ से करंट जो है लीड हो गया कैपेसिटर वाले केस में, और इसको ठीक करिए, ये आपका बन जाएगा वी एल और एक्स एल, इस तरह से बन जाएगा, अब देखिए करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वी एल होगा इससे करंट आई 90 से पीछे रहता है, ठीक है, पीछे रह जाता है, अभी जो केस थ्री में आपने पढ़ा था। तो ये देखिए करंट यहाँ है तो वी एल यहाँ पर है, और उसके बाद जो आपने ये पढ़ा था केस टू में, उसमें आपने पढ़ा था करंट 90 डिग्री से लीड करता है, तो ये रहा किससे, कैपेसिटर वाले केस में, तो कैपेसिटर वाला का जो आपका रिएक्टेंस बनेगा और जो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज बना
तो इससे देखिए 90 डिग्री हेड हो गया, लीड कर गया करंट, और इस वाले से 90 डिग्री पीछे हो गया। तो हम लोग चूंकि एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ते हैं इसलिए ये आपका करेक्ट होगा, है ना, ये ऐसे। तो ये क्या बता रहा है कि करंट आई, क्योंकि सब में तो करंट आई ही है, तो करंट आई 90 डिग्री से बिहाइंड है, पीछे है, किससे, वीएल से, जो कि इसकी प्रॉपर्टी थी। और यहां पर फिर जो ये करंट हुआ वो 90 डिग्री से आगे हो गया, किससे, इस वीसी से, ठीक है, जो कि यहां पर की प्रॉपर्टी थी। और यहां पर की प्रॉपर्टी थी कि सेम फेज में रहता है, तो वी आर भी इधर ही होगा और आपका जो आर होता है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग उधर ही आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक ही में ड्रॉ कर दिया, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते थे। तो जैसे हम वोल्टेज के लिए सिर्फ करें तो वी आर इस तरफ फटाफट करना, वी एल इस तरफ और वी सी नीचे की तरफ, ऐसे कर देना है। और जो रेसिस्टेंस के थ्रू अगर आप करोगे तो रेसिस्टेंस के थ्रू आर इस तरफ, एक्सएल उसी तरह इस तरफ, और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स सी नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह का काम हम लोग को हमेशा करना है एल सी आर सीरीज सर्किट में, या इनमें से कोई दो कंपोनेंट भी अगर आपको दे देता है, जैसे एल और सी मिला के दे दे, या आर और सी मिला के दे दे, या एल और आर मिला के दे दे, तो उनको इन्हीं में से तो दो कोई देना है, तो जो तीसरा नहीं देगा उसको आप यहीं से हटा देंगे। जैसे मान लो कि अगर आर नहीं दिया, आप इस आर को मिटा दीजिए, यहीं से खत्म कर दीजिए, एक्सएल ऊपर देना है हमेशा, एक्स सी नीचे देना है, ठीक है। और उसके बाद नेट जो रेसिस्टेंस आएगा, जिसको हम लोग इस केस में रेसिस्टेंस ना बोल के इम्पिडेंस बोल देते हैं, तो नेट इम्पिडेंस जो आएगा वो हम लोग फिर वेक्टर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइव वगैरह भी हम लोग को उसी में मिल जाता है। यहाँ भी वही बात हो गई, कोई भी दो दे देगा तो जो तीसरा गायब है, मान के चलिए वीएल गायब है, तो वीएल हटा दीजिए, इंडक्टर कॉइल हटा दिया तो वीएल हट गया, लेकिन ये जो आपका वीसी होगा और जो वीआर होगा वो तो अपना रहेगा ना, और उसका फिर रिजल्टेंट आपको देख लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि एक्स एल जो होता है ऊपर होता है, एक्स सी जो होता है नीचे होता है। तो जैसे कभी कभी हम लोग मिस भूल जाते हैं, जैसे शुरू में मैं लिख रहा था तो देखिए भूल गया था, तो उसको याद रखने का एक ट्रिक बना लेते हैं हम लोग। एल है ना, एक काम करो, एक्स एल है तो एल फोर होता है लाइट, एल फोर क्या होता है, लाइट। तो लाइट का तो एक मीनिंग आप जो प्रकाश है वो समझते हैं, लाइट का एक मीनिंग और होता है हल्का, हल्का हो जाना, बहुत ही हल्का हो जाना, कहते हैं बहुत लाइट बॉडी है तो हल्का हो जाना, तो आप इसको हल्का के सेंस में लीजिए। और हल्का चीज जो होता है नॉर्मली कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है, हल्की चीजें होती है तो वो क्या होती है, ऊपर में आ जाती है, नहीं, पानी में डालो कोई भी हल्की चीज, प्लास्टिक की कोई चीज डालो ऊपर आ जाएगी, नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हल्की चीजें जो होती है ऊपर आती है, और एल फॉर लाइट, तो एक्सेल जो होगा वो कहाँ क्या होगा, ऊपर होगा। तो एक्सेल की बात हो या कॉरेस्पॉन्डिंग वीएल की बात हो तो उसको क्या करना है, ऊपर में ड्रॉ करना है। तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा कि नीचे कौन चला जाएगा, वीसी, और हॉरिजॉन्टल पे हमेशा रखना है रेसिस्टेंस को। तो अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको किसी प्रॉब्लम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें करना क्या है कि इसको अब वेक्टर के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो जैसे कि अब ये दोनों तो एक दूसरे के ठीक अपोजिट है, तो इनको क्या करेंगे, इन दोनों का जो एक रिजल्टेंट होगा तो वो इस तरह से ऊपर में लेके आएंगे, जो हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, ठीक। और ये जो आपका बना, ये क्या बन गया, अकेला वी आर। अब इनका अपना एक रिजल्टेंट आ जाएगा, और वही जो रिजल्टेंट होगा वही हो जाएगा आपका ओवरऑल वोल्टेज जो आपने अप्लाई कर रखा है, तो वही आपका वोल्टेज हो जाएगा अक्रॉस एल सी आर सर्किट, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज कैसे आएगी, और ये जो एंगल वेंगल बनाएगा, इस एंगल्स को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी यही काम करना होता है, इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा, इसको अगर हम यहाँ दिखाएं तो ऊपर की तरफ देखिए, ये एक्सएल ऊपर एक्सी नीचे, दोनों तो है रेसिस्टेंस ही, एक तरह का ओम ओम ही है ना। तो आप इसको माइनस करेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, ये मानते हुए कि एक्सएल ज़्यादा है एक्सी कम है, ठीक है। और ये आर है तो आर तो अपनी जगह पर रहेगा इस तरह से। और अब इन दोनों का भी कुछ ना कुछ ओवरऑल मिला करके वेक्टर रिजल्ट आएगा, तो इस वेक्टर रिजल्ट को हम लोगों को क्या कहना है, जेड कहना है। और यहाँ भी वही जो भी एंगल फाई बना था, और यहाँ भी जो बनता है एंगल वेंगल, तो सब फाई ही रहता है, तो फाई वही था जो कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोले थे, तो वही फाई है आपका। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ पर ये जेड क्या कहलाता है, एम पी
लेंस ऑफ एलसीआर सर्किट हो जाएगा इस जगह पे, नहीं तो कोई भी एसी सर्किट का क्या कह सकते हो आप। और ये भी क्या होगा, तो ये ओवरऑल वोल्टेज जो सर्किट पर आपने किसी इंस्टेंट में अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ओवरऑल। तो इस पर और हम आगे डिटेल में बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए और आगे का बात समझिए। आए बच्चों, अब इसी सिचुएशंस को जो जो हमने पीछे काम किया उसको एक बार फिर से फर्दर एनालिसिस के थ्रू रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा बातें उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। जब भी आपको एलसीआर सर्किट इस तरह का दे दे सीरीज सर्किट और आपको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दे, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एक इस तरह का आपको फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा वीआर आएगा, मतलब रेसिस्टेंस अक्रॉस आर, ठीक है, इधर ही आएगा, और ऊपर के साइड में आपको हमेशा एक्सएल मतलब भी जो ये वाला एक्स ये एल के अक्रॉस रखे हो वो वीएल आपको रखना है, और नीचे के साइड में आपको चला जाएगा वीसी, ठीक है। उसका कारण हमने आपको बताया पीछे, क्योंकि जो करंट आपको लेना है वो रेसिस्टेंस के ये वीआर के सेम फेज में लेना होता है, तो करंट इधर आएगा, तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर वाले वोल्टेज से करंट 90 से आगे होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए वो यहाँ पे रखने से ही इधर ये नीचे रखने से ही ऐसे करके 90 आगे आएगा, और आप जानते हैं कि वीएल वाले से 90 पीछे होता है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज आपको घूमना होगा तभी तो पीछे होइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा बना के रखना है। तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो भी वोल्टेज आएगा, तो उसको जो हम अब लिखेंगे, तो यहाँ पर डीसी की तरह आपको सीधा वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर नहीं करना है, ये एसी है, डिफरेंट फेजेस में वहां पर आते हैं वोल्टेजेस और वो आपस में सुपर इम्पोज होते हैं, तो डिफरेंट फेजेस उनका यही बता रहा है डिफरेंट फेज, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको लिखना है। तो इनके जो रिजल्टेंट को मैंने आपको बताया अभी कि मान लो कि ये कम था ये थोड़ा ज्यादा था, तो ये ऊपर जाकर के इस तरह से माइनस हो जाएगा और ये आपका बन गया वीएल माइनस वीसी। तो जो ओवरऑल हमारा वोल्टेज बना जो इस पूरे सर्किट पर यहाँ पे अप्लाई हुआ, ये भी आप ऐसा कहेंगे। अब करंट तो आपका इसी तरफ था, तो करंट और फाइनल वोल्टेज के बीच के एंगल को ही हम फाई बोलते हैं, और उसी में जब आप कॉस लगा दीजिएगा कॉस फाई बन जाएगा, तो वो सर्किट का पावर फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं फिलहाल, तो कॉस फाई जो कि पावर फैक्टर है, पावर पावर वाले फॉर्मूले में था ना पावर फैक्टर, ये तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस जो कि क्या है वी आर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या है वो वी है, हालांकि वो पूरे सर्किट के अक्रॉस है, तो पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस आता है उसको हम लोग जेड बोलते हैं, तो कई बार आपको ये भी क्या है वी जेड के रूप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ऐसा कह ले या फिर वी आर अपॉन वी जेड कह ले, ठीक है ऐसा। अब देखिए जरा इस वी या वी जेड की कैलकुलेशन कैसी होगी, तो वी क्या होगा, फिलहाल वी ही लिखते हैं उसको, तो वी क्या होगा, अब वी आर और वी एल माइनस वी सी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो क्या करना है स्क्वायर रूट करके, और ये आर वी आर का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू फॉर वी या वी जेड, आप जो कह सकते हो, ठीक है। तो पूरे सर्किट के अक्रॉस ये चीज चली जाएगी। अब देखिए अगर आप पीक वैल्यू के टर्म में बात कर रहे हो, पीक वैल्यू के टर्म में, तो जो पीक वैल्यू है हमारे पूरे सर्किट पर अप्लाई होने वाला वो क्या है, वी नॉट है ना। तो अगर आप सोचोगे कि हम उसी पीक वैल्यू के टर्म में बात करेंगे, तो वी आर के अक्रॉस भी जो पीक आएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग करंट भी आएगा, अगर कभी भी वी नॉट है पूरे के अक्रॉस तो करस्पॉन्डिंग करंट भी क्या होगा, कभी ना कभी तो आई नॉट होगा। तो मान लो कि हम करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम या पीक करंट आई नॉट के साथ हम काम कर रहे हैं, आप आई आर एम एस के साथ भी कर सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट है, कोई घबराने की बात नहीं। तो मान लिया कि सर्किट में किसी वक्त आई नॉट जो पीक करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो सबके थ्रू तो आई नॉट फ्लो होगा, सीरीज में है, तो रिलेशनशिप क्या लिखना है, वहां देखिए वीएल जो है हमारा, तो वीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू एक्सएल लिखेंगे, आई आर वाला रिलेशन, वी सी क्या लिखिएगा, तो आई नॉट
इंटू एक्स ही लिखिएगा, और वी आर क्या लिखिएगा, तो वी आर आपका आई नॉट इंटू आर लिखिएगा, है ना, ये बात आप लिख सकते हैं वहां पर। चलिए, तो आई नॉट आपका करंट वहां पर बना है और उसके करस्पॉन्डिंग ये सब वैल्यूज है। तो आप इससे फर्दर जो ओवरऑल हमारा वी या वी जेड था, तो वी और वी जेड इज रूट अंडर वी आर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आप कह सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। वी एल क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से देखिए, तो आई नॉट का स्क्वायर एंड एक्स एल का स्क्वायर, और माइनस भी तो करना है, वी एल नहीं, वी एल तो अभी क्या लिखना है भाई, आई नॉट एक्स एल लिखना है ना, अभी स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर चलेगा। तो आई नॉट बी सी लिखना है, ये वाला आई नॉट एक्स सी, अब करना है स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा ना कि ये आई नॉट आप कॉमन लोगे, ये स्क्वायर था तो आई नॉट स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। देखें एक नज़र अच्छे से देखें, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर फिर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आई नॉट कॉमन करके बाहर कर लीजिए, आई नॉट आ गया, एंड देन दिस इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और यही वैल्यू को फिर हम लोग क्या कहते हैं ना, जेड कह देते हैं, जेड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो वेयर जेड इक्वल टू आपको कहना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, तो यही जेड क्या कहलाता है, नोन एज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द एल सी आर सीरीज सर्किट, ठीक है, जो भी सर्किट आपको दिखाया जा रहा है उसका ये इम्पीडेंस कहलाता है। इम्पीडेंस मतलब नेट रेसिस्टेंस ही हो गया ऑफर्ड बाय द सर्किट टू द एसी सप्लाई। तो ये आई नॉट इनटू जेड इस तरह से आप कह सकते हो, तो यही आपका ये वोल्टेज है। अब देखिए, अब चूंकि ये आई नॉट इनटू जेड है, तो ये भी जैसे कि आपने अभी कहा कि वो आई नॉट मैक्सिमम के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बना सकते हैं, चूंकि आई नॉट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसको वी नॉट कह लो या वी जेड की मैक्सिमम वैल्यू कह लो, है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, वी नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे आ गया। उसी तरह से आप आर एम एस के लिए भी कर सकते थे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर एम एस वैल्यू, ठीक है, आर एम एस करेंट, तो आई आर एम एस, तो एकदम डिक्टो सेम चलेगा, तो वी एल है ना, तो ये भी क्या था, ये भी मैक्सिमम था, मैक्सिमम था तो चलो इनको हम लोग क्या करते ना, नॉट बना देते हैं इस तरह से, मैक्सिमम ही था जो भी था, और यहाँ पर करेंगे तो इस बार आर एम एस डाल देते हैं, तो ये क्या होगा, आई आर एम एस इंटू एक्स एल, फिर उसी तरह से वी सी क्या हो जाएगा, तो वी सी वाला आर एम एस और यहाँ पर आई आर एम एस इंटू एक्स सी, और ये वाला क्या होगा, वी आर इंटू आर एम एस वाली वैल्यू और आई आर एम एस इंटू आर, इस तरह से लिख सकते हैं, फिर एग्जैक्टली डिक्टो सेम चला जाएगा। जब आप इसको वी आर एम एस करेंगे तो वी ए वी आर आर एम एस, वी एल आर एम एस और वी सी आर एम एस, ये सारी चीजें लिखी जाएगी और फाइनल आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, इधर से जो आपका वी आर एम एस था, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी आर एम एस था इधर वाला, और इधर वाला बन जाएगा आई आर एम एस, चूंकि यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, आर स्क्वायर रहेगा ही, एक्सएल रहेगा ही, एक्स सी रहेगा ही, देख सकते हैं, तो आर एम एस आई नॉट की जगह क्या हो जाएगा, सब जगह आई आर एम एस हो जाएगा, तो आई नॉट की जगह आ गया आई आर एम एस और इंटू क्या होगा, इम्पीडेंस जेड। तो जब आप आई आर एम एस के साथ काम करेंगे तो वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, जब आप पीक वैल्यू के साथ काम करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये वाली क्वांटिटी कहलाएगी जेड, एंड जेड इज नोन एज द इम्पीडेंस ऑफ द एल सी आर सीरीज सर्किट। और इसीलिए मैंने कहा, अब चूंकि ये जो ऐसा आता है, तो इसी को आप कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऐसा भी समझ सकते हो कि दिस इज सेम एज कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आर चला गया, टॉप पे आपका एक्सएल चला गया और बॉटम पे आपका एक्स सी चला गया, ठीक है, बॉटम पे आपका एक्स सी चला गया, तो इनका भी अगर हम लोग रिजल्टेंट निकाल लें तो फिर तो वही बात होगी, ऊपर लेके जाएंगे एक्सएल माइनस एक्स सी होगा, है ना, का भी हम सर्किट का इम्पीडेंस निकालें,
तो एक आर तो आपका है, इस तरह से आर रहेगा, और इसको इसमें माइनस करते ही एक्सएल माइनस एक्ससी ऐसे लिखेंगे। अब यही जो भी नेट रिजल्टेंट देगा, तो यही कौन है, वो जेड है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम सेम चलेगा, वो जैसे आपका ये बना वैसे वो भी बनेगा, तो आपका ये एंगल भी उसी तरह से वहीं जाने वाला है फाई के साथ, ठीक है। तो आप टेन फाई अगर अब आप लिखना चाहते हैं, देखिए कॉस फाई तो आपका ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वी आर के अक्रॉस आएगा और जो पूरे सर्किट के अक्रॉस आएगा, तो आप यहाँ पर भी कुछ लिखे लिखिए आर के अक्रॉस। अब मान लो आप पीक वैल्यू के साथ काम कर रहे हो, तो आई नॉट आर लिखोगे, तो ये भी पीक वैल्यू के साथ काम होगा, ये आई नॉट इंटू जेड हो जाएगा, तो आई नॉट तो कट गया ना, तो फिर क्या आ गया, आर अपॉन जेड आ गया। उसी तरह से अगर आप आर एम एस के साथ लिखते तो आई आर एम एस इंटू आर होता, और यहाँ भी आई आर एम एस इंटू जेड होता, आई आर एम एस कट जाता, आर बाय जेड ही बचना है, ठीक है। तो कॉस फाई का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, आर बाई जेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आर बाई जेड। और ये देखिए ना, यहाँ से डायरेक्ट दिखेगा, ये जेड है ही, ये आर है ही, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, चूंकि ये चीज क्या थी, ये चीज तो जेड ही थी, है ना। और इसमें भी जो आपका ये जेड आएगा, आप समझ सकते हैं कि इनको रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, और ये क्या करना है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर करना है, तो आपका ये चीज भी जेड ही बनने वाला है। तो इसलिए हमने कहा चाहे आप वोल्टेज के साथ फेज लगा के करो, एक्चुअल मेथड यही है, यही होता भी है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से और आप पाते हैं कि ये इस फॉर्म में चला आया, और इसको अगर हम लोग जेड के हिसाब से काम करें, तो फिर आर एक्सएल एक्ससी को भी इस तरह के फेज डायग्राम में सजाया जा सकता है, और उससे भी हमें काफी मदद मिल जाती है ना। तो आर अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू ये वाला अपना अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमने यहाँ पर समझाया आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, इसको दो बार तीन बार दिक्कत हो रहा है, तो दो बार तीन बार इसको रिपीट करके यहाँ तक एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और फिर हम लोग तब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और इसके और भी फर्दर कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसकी एनालिसिस है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करके रखो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए, थैंक यू वेरी मच।